विपक्षी दल के नेताओं के साथ राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग खत्म हो चुकी है। कई विपक्षी नेता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह विपक्ष नेताओं को नाश्ते पर बुलाया था। ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की मदद से वो विपक्ष को एक साथ रखने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। पेगासस जासूसी कांड जैसे मुद्दों पर संसद में सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने पेगासस स्नूप गेट विवाद की जांच की मांग की है। नीतीश कुमार ने कहा, फोन टैपिंग मामले की जांच बिल्कुल होना चाहिए। कई दिनों से हम इस बारे में सुन रहे हैं, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाए। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन एक बार फिर सब पर भारी साबित हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सोमवार को दावा किया है कि कोवैक्सीन कोरोना के खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी कारगर है। आईसीएमआर के मुताबिक संस्था की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। कोवैक्सीन को डेवलप करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भी सहयोग किया है। ओडिशा का भुवनेश्वर शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। यानी यहां 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। साउथ ईस्ट भुवनेश्वर के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अंशुमन रथ ने एएनआई को बताया कि हमने लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पहले ही तय कर लिया गया था। पिछले 6 दिन से लगातार 40,000 से ज्यादा केस दर्ज होने के बाद सोमवार को कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में देश में 30,029 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 39,020 लोगों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 420 लोगों की जान गई। कोरोना की तीसरी लहर में नए मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में दुनिया में कोरोना के 6,40,000 मामले दर्ज किए गए। 9,251 लोगों की संक्रमण से जान गई, जबकि 3,89,000 लोगों ने इस बीमारी को मात दी। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार गई है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थी। भारत इस मैच में एक समय 2-1 से आगे था। इसके बाद बेल्जियम ने 4 गोल और कर दिए। भारी बारिश के चलते देश में हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में लगातार बारिश के चलते यमुना उफान पर है और कई इलाकों में पानी भर गया है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इन दिनों नरमी बनी हुई है। भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने 17 दिनों से इनके रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि इससे पहले लगातार रुक रुक कर हुई बढ़ोतरी से देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सहित 15 राज्यों में पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी शेयर बाजार में खरीदारी बनी हुई है। सेंसेक्स 175.2 पर 53,125.97 पर खुला। अभी 274.98 अंक चढ़कर 53,225.61 पर कारोबार कर रहा है। इंडेक्स में शामिल 30 में से 24 शेयर्स में बढ़त है। टाइटन के शेयर में सबसे ज्यादा 3.71% की तेजी के साथ ही एशियन पेंट्स के शेयर भी 2.42% की बढ़त के साथ बने हुए हैं। We'll be right back.